अगर आप एक्सिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके म्यूचुअल फंड में जो पैसा पड़ा हुआ है वो अपने बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों कई सारे सवाल मेरे पास ये भी आए थे कि सर ने SIP को कैंसिल कर दिया है तो क्या मेरे पैसे जो हैं वो मेरे अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों SIP को कैंसिल करने पे आपके पैसे आपके बैंक में नहीं आते हैं, उसका सिर्फ दोस्तों यही काम होता है कि अगर आप उसको कैंसिल कर देते हैं SIP को, तो आपके अकाउंट से जो पैसे हर महीने कट रहे थे वो दोस्तों अब नहीं कटेंगे। दोस्तों SIP का इतना ही काम होता है। और चलिए मैं आप सभी को बताता हूँ कि अगर आपके म्यूचुअल फंड के पैसे को निकालना है, अपने बैंक में विड्रॉल करना है, तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बार दोस्तों ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो दोबारा मेरे इस वीडियो को देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैं एक्सिस म्यूचुअल ऐप के माध्यम से आप सभी को बताने वाला हूँ। एक्सिस मोबाइल ऐप जो भी होता है एक्सिस बैंक का, उसके माध्यम से मैंने SIP को स्टार्ट करना आप सभी को बताया था और SIP को कैंसिल करना भी दोस्तों बता चुका हूँ, और अब दोस्तों आपको पैसे को निकालना भी बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सिस मोबाइल ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आपको सबसे फर्स्ट लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको ऊपर राइट साइड में आपको दिखेगा लॉगिन का, यहीं पे दोस्तों आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको MPIN डाल के या फिर फिंगरप्रिंट लगा के आपको अनलॉक कर लेना है। जो भी तरीका आप अपनाते हो वो दोस्तों तरीका आप अपना। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में जाने के लिए आपको इंस्टा इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप लोग नहीं जानते हैं कैसे इन्वेस्ट करते हैं या फिर SIP को कैसे कैंसिल करते हैं, तो उसके दोस्तों मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप अपने SIP को कैंसिल करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप अपनी SIP को आसानी से कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों इंस्टा इन्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो इंटरफेस है वो जो पोर्टफोलियो का इंटरफेस होता है म्यूचुअल फंड का, वो दोस्तों यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने अभी SIP जो स्टार्ट की थी वो 500 की स्टार्ट की थी। यहाँ पे जो मेरी करंट वैल्यू है 500.25 पैसे यहाँ पे मतलब बने हुए हैं, मतलब 25 पैसे में ज़्यादा आए हुए हैं। और ये दोस्तों आप लोग यहाँ पे ग्रोथ और लॉस देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इसको और डिटेल्स में देखने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा ये एरो वाला, इसी पे आपको क्लिक करना है। तो चलिए दोस्तों क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस एरो पे दोस्तों आप सभी को क्लिक कर देना है। तो जैसे दोस्तों इस एरो पे आप लोग क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी स्कीम ये है और मेरी वैल्यू ये है और जो भी चीज़ें हैं दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब दोस्तों पैसे को अपने बैंक लेने के लिए आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, मैं आप सभी को ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ। ये दोस्तों आप देख सकते हैं रेडीम का ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है। तो इसी दोस्तों रेडीम वाले ऑप्शन पे आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब दोस्तों मेरी थोड़ा सा बात को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको विड्रॉल के कई सारे ऑप्शन दिखाएगा, जैसे कि यहाँ पे वैल्यू देख सकते हैं, ये सारी चीज़ देख सकते हैं, टोटल यूनिट दोस्तों आपकी इतनी है और वैल्यू दोस्तों आपकी इतनी है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये बोल रहा है चॉइस योर विड्रॉल टाइप। यहाँ पे आप सिस्टमेटिक विड्रॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पे वन टाइम भी कर सकते हैं। सिस्टमेटिक दोस्तों ये मतलब होता है कि आप कई बार में लेना चाहें तो ले सकते हैं, और वन टाइम का मतलब दोस्तों एक ही बार में आपका जो भी अमाउंट है वो दोस्तों आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं वन टाइम ही करता हूँ क्योंकि मुझे एक ही बार में सारा अमाउंट लेना है। उसके बाद आपके सामने दोस्तों यहाँ पे आएगा पार्सली रेमिटेशन और फुल रेमिटेशन। इसका दोस्तों नॉर्मली मतलब होता है पार्सल का ये होता है कि आप थोड़ा सा अमाउंट लेना चाहते हैं, अगर दोस्तों जैसे मान लीजिए 500 मेरे पास है और आप 200 रुपये निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको इस पर क्लिक करेंगे, और अगर दोस्तों आप पूरे अमाउंट को वापस निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे फुल रेमिटेशन करेंगे। तो दोस्तों मुझे पूरा अमाउंट निकालना है तो इसमें फुल कर दूंगा। ठीक है, और अगर दोस्तों आप पार्सली पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है कि आप कितना अमाउंट निकालना चाहते हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 200 रुपये अमाउंट लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों पार्सली पे होता है, मतलब पार्सियल मतलब ये होता है कि आप थोड़ा सा कुछ निकालना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे निकाल सकते हैं, बट मुझे यहाँ पे फुल निकालना है, यहाँ पे फुल पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों आई हैव रीड कंडीशन पे यहाँ बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक के नीचे ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, इसी पे दोस्तों आप सभी को क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपसे हमेशा ये पूछता है, मैं अगले वीडियो में बता चुका हूँ, ये दोस्तों आपके लिए फीडबैक पूछता है कि आई विश टू रिडीम बिकॉज आप ये मतलब रिडीम क्यों करना चाहते हैं, द स्कीम इज नॉट परफॉर्मिंग एज माई
डिस्कशन, मार्केट इज वैलिड, आई नीड फंड फॉर पर्सनल यूज। तो इसमें दोस्तों कोई भी लिख सकते हैं, ये उनका एक दोस्तों फीडबैक होता है, एक सर्वे टाइप मान सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ओपन क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कि यस आई वुड लाइक टू स्विच, मतलब ये बोल रहा है कि आप स्विच कर सकते हैं, मतलब इस म्यूचुअल फंड से दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं। बट दोस्तों आपको यहाँ पे अगर स्विच करना है तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे मुझे स्विच नहीं करना है, मुझे पैसे को निकालना ही है। और अगर दोस्तों आपको भी पैसे को निकालना है तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन नहीं चुनना है, आपको नीचे वाला ऑप्शन चुनना है, नो प्रोसीड विथ लिमिटेशन। क्योंकि दोस्तों आप कभी जब किसी के पैसे निकालेंगे सब लोग कुछ ना कुछ ऐसे ही बोलेंगे आपसे, मतलब लेकिन ये आपको डिसाइड करना है कि स्विच करना है। स्विच वाला भी ऑप्शन मैं आपसे भी बताऊंगा कैसे स्विच करते हैं, इसका भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपको एक्सिस म्यूचुअल फंड से, अभी ब्लू चिप फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था, तो अगर आप चाहें तो एक्सिस के किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में स्विच कर सकते हैं। स्विच का मतलब दोस्तों आप उसमें इन्वेस्ट, वही पैसा आपका उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये रही दोस्तों ये बात, ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे और ऑप्शन यूज करना है, नो प्रोसीड विथ रिकमेंडेशन, ठीक है, यहाँ पे नो कर देना है। तो प्रोसीड विथ मतलब नीचे ऑप्शन आपको ये वाला सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऊपर वाला दोस्तों सिलेक्ट करेंगे तो आप स्विच करेंगे, आपका पैसा रिडीम नहीं होगा, आपका स्विच हो जाएगा, ठीक है। आपको पैसे को रिडीम करने के लिए, मतलब बैंक में लेने के लिए आपको नीचे ऑप्शन यूज करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रोसीड विथ रिमिटेशन पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को दोस्तों आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग ओटीपी को डाल देते हैं। तो ओटीपी को डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है और थोड़ा सा दोस्तों यहाँ पे वेट करना है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा रिडीम था वो दोस्तों सक्सेसफुली हो चुका है, योर ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली, रिमिटेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, ठीक है। तो ये जो पैसा है दोस्तों आपका तुरंत तो नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों ये 2-3 वर्किंग डेज में आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में आ जाएगा और आपका जो भी पैसा है दोस्तों म्यूचुअल फंड में वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसके दोस्तों 2-3 दिन वेट करना है, वर्किंग डेज जो भी, मतलब जैसे जिस दिन छुट्टी होती है दोस्तों उस दिन आपको नहीं मिलाना है और बाकी के 2-3 दिन मिलाना है और दोस्तों आपका जो पैसा है वो दोस्तों आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी और आप मुझे बताइएगा कि अगर कुछ आपको ना समझ में आया हो तो आज मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी मतलब कोई भी टॉपिक आपको ना समझ में आया हो, कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।